दरकते जोशी मठ पर याद आई शंकराचार्य जी की भविष्यवाणी। जोशी मठ पर 12 साल पुरानी भविष्यवाणी हुई वायरल। 2010 में बता दिया था जोशी मठ के साथ क्या होगा, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इन दिनों देवभूमि जोशी मठ का अस्तित्व खतरे में है। दिन पर दिन हालात कितने भयावह होते जा रहे हैं इसका अंदाजा इसी से लगाइए। गहरी दरारें चौड़ी होती जा रही हैं, जमीन धंसती जा रही है, पहाड़ के पहाड़ दरक रहे हैं, लोगों के आशियाने टूट चुके हैं, लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हैं। जोशी मठ के इन गंभीर हालातों को देख जब धामी सरकार की आंखें खुली, तुरंत अंधाधुन हो रहे निर्माण कार्यों पर फुल स्टॉप लगाया गया। अब बहुमंजिला इमारतों पर बुलडोजर चल रहा है, जोशी मठ के लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि दरकते जोशी मठ के इस हालात के पीछे कौन जिम्मेदार है। इसी पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। इसरो की तरफ से जोशी मठ की ली गई सैटेलाइट तस्वीरों ने दुनिया को डरा दिया है। रिपोर्ट कहती है जोशी मठ 8.9 सेंटीमीटर तक धंस गया है। बीते 12 दिनों में शहर 5.4 सेंटीमीटर डूब गया है। जमीन धंसने से अब जोशी मठ औली सड़क भी धंसने वाली है। जोशी मठ में स्थापित आदि गुरु शंकराचार्य का मंदिर भी खतरे में है। यहाँ तक कि नरसिंह मंदिर का अस्तित्व भी खतरे में है। आलम यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया जोशी मठ की सलामती के लिए दुआएं मांग रहा है। इन सबके बीच शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की 12 साल पुरानी भविष्यवाणी लोगों को याद आ रही है। हम उन्हीं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की बात कर रहे हैं जिनका बीते साल 2022 में 99 वर्ष की आयु में निधन हुआ। संत परंपरा के अनुसार उन्हें भू समाधि दी गई। यहां हम आपको जानकारी के लिए बता दें, अमूमन जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसे जलाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि लंबे समय तक आत्मा शरीर से जुड़ी रहती है और मरने के बाद आत्मा शरीर छोड़ने से मना कर देती है। माना जाता है कि जब तक अंतिम संस्कार नहीं होता तब तक आत्मा आसपास ही घूमती रहती है, लेकिन साधु संतों के मामले में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अलग है। उन्हें जलाया नहीं जाता बल्कि भू समाधि दी जाती है। इसके पीछे मान्यता ये है कि सन्यासी बनने से पहले व्यक्ति खुद का पिंडदान कर देता है, इसलिए उनकी आत्मा शरीर से दूर हो जाती है, इसीलिए उन्हें जलाने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चे की मौत हो जाती है तो उसे भी जलाने की जगह दफनाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि उनकी आत्मा शरीर में इतनी देर नहीं रही कि कोई लगाव हो सके। बहरहाल द्वारका और शारदा ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य रहे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का जीवन असाधारण रहा। उन्हें सनातन धर्म का सूर्य अस्त स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता था। राम सेतु की रक्षा के लिए उन्होंने संघर्ष किया। माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करवाने से लेकर राम जन्मभूमि के लिए एक योद्धा की तरह जंग लड़ी। इसके साथ ही गौरक्षा आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही, राम राज्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष और पाखंडवाद के प्रबल विरोधी रहे। आज भले ही इस दुनिया में वो नहीं है, लेकिन जोशी मठ के भयावह हालातों को देखकर शंकराचार्य की 12 साल पुरानी भविष्यवाणी दुनिया को याद आ रही है। एक न्यूज चैनल की डिबेट में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने इस बात का इशारा कर दिया था कि जोशी मठ का भविष्य खतरे में है। 7 मार्च साल 2010 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि विष्णु प्रयाग में जो अलकनंदा है उसको पहले ही रोक दिया गया है और जो विष्णु गंगा है उसके लिए फिर बैराज बनाए जा रहे हैं। परिणाम ये हो रहा है कि उस बैराज के कारण ज्योतिर्मठ के पहाड़ों के नीचे सुरंग बन रही है। ज्योतिर्मठ के जितने भी स्रोत हैं उनका पानी ज्योतिर्मठ के लोग पीते हैं, वो सब के सब स्रोत नीचे चले जा रहे हैं और हो सकता है कि पानी के साथ साथ जमीन धंस जाए और ज्योतिर्मठ भी समाप्त हो जाए, आदि गुरु शंकराचार्य की गुफा खत्म हो जाए, तो इन बातों पर विचार होना चाहिए। 12 साल पुरानी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी की ये बातें, या फिर यूं कहें कि 12 साल पुरानी उनकी यही भविष्यवाणी आज लोगों को याद आ रही है। साल 2010 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने ये भांप लिया था कि जोशी मठ की धरती खिसकने लगेगी और परिणाम स्वरूप आदि गुरु शंकराचार्य के मंदिर का भी अस्तित्व संकट में आ सकता है।
जोशी मठ के वर्तमान हालात स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की कही बातों को सत्य साबित कर रहे हैं। बहरहाल जोशी मठ के इन हालातों का असल गुनहगार कौन है, इस पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। निशान जो है ये अभी से जो लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जो भू रिसाव हो रहा है, ये सभी उसी का नतीजा है। आज से 15 दिन पहले तो कोई इतनी समस्या नहीं थी, हल्के दरार थी लेकिन हमारे मठ में नहीं था, लेकिन ये 15 दिन में तो बहुत ज़्यादा बढ़ने हो गए। और स्पेशली ये 3-4 दिन के अंदर तो एकदम से, जैसे आपने पूरा देखा होगा कि पूरा जो मठ है हमारा वो खतरे की जद में आ गया है। यहाँ बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ रहे हैं और ये जो ऐतिहासिक शहर है, ये ऐसा बताया जाता है भू विज्ञान को द्वारा कि ये ग्लेशियर पे बसा हुआ शहर है। और जो इसका मुख्य कारण बता रहे हैं कि अब जो विकास ही इसका विनाश बन रहा है, यहाँ के जो बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट और जो बाईपास रोड बन रहे हैं यही उसका, और जो एनटीपीसी की टनल है, जो हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि पानी का रिसाव उस पर हो रहा है और तेज़ी से हो रहा है और एकदम से जो उसका ये खतरे की जद में पूरे का पूरा जोशी मठ आ गया है। और उसी के साथ जो है हमारा जो ज्योतिर्मठ है वो भी इसकी जद में आ रहा है। अब भगवान बद्री विशाल ही इसकी रक्षक। आज की डेट में तो अब टूटे चाहे कुछ, हमको तो क्या फ़र्क, हमारा मोहल्ला हमारे मकान सब टूट गए, अब तो हमको कोई उससे वो नहीं है, टूटता है तो टूट, पर यह है कि औरों की सेफ्टी के लिए शायद तोड़ रहे होंगे, जो 15-20 परिवार है, जो 15-20 परिवार और बचे क्या पता उनकी सेफ्टी के लिए तोड़ रहे हों। हमारी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने पहला ध्यान तो दिया नहीं, हमारे तो सारे मकान सब हो गए ख़राब। ये राजस्व विभाग की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि राजस्व विभाग ने जो ये मोटर रोड की भूमि है खतौनी में ला कर दोबारा बेचा है और उन्हीं को प्रोत्साहन दिया राजस्व विभाग ने, हमारी कोई पूछ नहीं होती है। ये इनके तो द्वारा पंसद देख कर के सबका नंगा बनाते हैं, हम कहाँ जाएँ क्या खाएं, आप बताइए। राजस्व विभाग हमारी बात सुनने को राजी नहीं है। ये सामने है, हम कहाँ जाएँ, ये राजस्व विभाग क्यों लिए पोती कर रहा, आप ये बस समझ लीजिए कि डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड ने सूचना अधिकार के तहत इनको आदेश दे रखा है कि DGBR स्वयं अपने सीमांकन करके और इनको वो करे। और जब आप दुखी हो रहे हो, आज घर टूट रहा है, क्यों नहीं होंगे, हम जाएं कहाँ,